देश की बड़ी कार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और उनकी कंपनी के 13 एम्प्लॉइज के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। ये किया गया उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले 60 साल के राजेश मिश्रा ने। राजेश ने आरोपियों पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल राजेश मिश्रा ने साल 2020 में अपने बेटे अपूर्व मिश्रा को महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो कार दिलाई थी। ये कार 17 लाख रुपए की थी। कार खरीदने के 2 साल बाद 2022 में उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने के लिए गया। 14 जनवरी 2022 को जब वो वापस कानपुर लौट रहा था तो उस वक्त कोहरा ज्यादा होने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। राजेश मिश्रा का आरोप है कि हादसे के वक्त उनके बेटे अपूर्व मिश्रा ने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी, इसके बावजूद कार के एयरबैग नहीं खुले, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई। अगर एयरबैग खुल जाते तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। इस हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद जब वो एजेंसी पहुंचे और पूरी बात बताई तो एजेंसी के मैनेजर ने उनकी कंपनी के निदेशकों से बात कराई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उनके साथ बेहद खराब बर्ताव किया और अभद्रता की। राजेश ने कहा कि जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कार की टेक्निकल जांच कराई, जिसमें पता चला कि कार में तो एयरबैग्स थे ही नहीं। राजेश मिश्रा ने रायपुरवा थाने में पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वे कोर्ट गए, तब कहीं जाकर उनकी शिकायत दर्ज की गई। राजेश मिश्रा ने आनंद महिंद्रा एजेंसी के मैनेजर चंद्र प्रकाश गुरनाने समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। कानपुर पुलिस का कहना है कि कार की जांच की जाएगी और उचित प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंस्टा फीड का पेज फॉलो कीजिए।